छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नेवनार चंडी धाम में रक्षाबंधन का भव्य उत्सव मनाया गया। हजारों बहनों ने भाजपा किसान नेता योगेश तिवारी को राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। इस खास मौके पर उन्होंने समाज सेवा का संकल्प भी दोहराया। बेमेतरा विधानसभा के नेवनारा चंडी धाम में भव्य राखी उत्सव का आयोजन हुआ, जहां हजारों बहनों ने किसान नेता योगेश तिवारी को राखी बांधी। योगेश तिवारी ने बहनों के सुख दुख में हमेशा साथ रहने का संकल्प लिया और उपहार भेंट किए। तिवारी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से उनकी बहनें उन्हें राखी बांधती आ रही है। उन्होंने समाज सेवा के अपने मिशन को भी जारी रखने की बात कही, जिसमें उन्होंने 250 बेड के आश्रम बनवाए हैं, जहाँ 40 बेसहारा बुजुर्गों की सेवा की जा रही है। हाँ, मतलब 8-10 साल हो गया बांधते भैया। कब से परम्परा चला थे, कैसे लगते यहाँ आके, क्या व्यवस्था रही थी? यहाँ सब व्यवस्था रही थे, हमारे 8-10 साल हो गए राखी बांधे भैया। इतना अच्छा है कि हम बता नहीं सकते, हर सुख दुख में हमारे साथ थे और हमारे 8-10 साल हो गए यहाँ राखी बांधे। बहुत खुश हमारे यहाँ आके, बहुत अच्छा हमारे योगेश तिवारी। हर साल की तरह पिछले 10 साल से जो बहने मुझे इस माटी के बहन लोग मुझे जो राखी बांधती है, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इस माटी में जन्म लिया है नेवनारा में। और लगातार पिछले 10 साल से यहाँ मैं राजनीति कर रहा हूँ, सामाजिक रूप से मैं सेवा कर रहा हूँ और यहाँ 8-10 हज़ार बहनी हर साल आगे आकर मुझे राखी बांधती हैं। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी 8-10 हज़ार बहने हैं और जब मैं गाँव में जाता हूँ मुझे भैया करके संबोधित करती, मुझे अंदर से बहुत खुशी मैं महसूस करता हूँ और छोटे छोटे बच्चे मुझे मामा करके पुकारते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस माटी में सेवा करने का अवसर मिला है और मैं संकल्प लेता हूँ चंडी मंदिर के प्रांगण में जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, जान रहेगा, तब तक मैं बहनों से रिश्ता निभाऊंगा और लगातार इनकी सेवा करता रहूंगा और सामाजिक रूप से मैं सेवा कर भी रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मैंने 250 बेड का मैं वृद्धाश्रम का भी निर्माण किया है ताकि मेरी कोई बहन भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, किसी को तकलीफ मत हो, कोई समस्या न हो, जो आके वहाँ निःशुल्क रह सकते हैं। 40 बुजुर्ग रहते हैं, पहले समाज सेवा के लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।